जय हिंद बच्चों, जय हिंद की ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। देखो बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। इसके पीछे का जो क्लास था, ठीक, इसको आप लोग देख लिए हैं, समझ लिए हैं। यदि किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, जो बात बताई गई है उसको समझ में ना आया हो, वो फिर से थोड़ा सा उसको रिपीट करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान दिया जाए। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि हम लोग इसके पहले वाले क्लास में क्या पढ़े थे। तो हमने यही परिमेय संख्या की सारी प्रक्रिया हमारी चल रही है अभी। तो परिमेय का जोड़ घटाना, गुणा भाग, परिमेय में बड़ा छोटा पहचानना, दो परिमेय के बीच एक परिमेय ज्ञात करना, फिर इसके बाद दो परिमेय अर्थात दो भिन्नों के बीच कौन भिन्न नहीं है ये भी पहचानना मैंने बताया। फिर इसके बाद हमने आप लोगों को बताया परिमेय को दशमलव बनाना, फिर लास्ट प्रक्रिया यही चल रही थी कि दशमलव को परिमेय बनाना, यानी भिन्न को दशमलव बनाना या फिर दशमलव को भिन्न बनाना। तो भिन्न को दशमलव बनाना तो सब भैया को आता है, सीधे अंश में हर का भाग दे दिया जाता है, लेकिन दशमलव से भिन्न बनाने में आप लोग देखे थे कि शांत वाले में तो कोई परेशानी नहीं होती है, अशांत वाले में थोड़ी सी दिक्कत थी, लेकिन उस दिक्कत को आप आराम से दूर कर सकते हैं। लेकिन पहले पहचाने कि अशांत का कौन सा रूप है, शुद्ध या मिश्रित, तो दोनों की पहचान और दोनों को भिन्न बनाना बता दिया गया था। तब इसके आगे का क्लास देखिए या एक आप प्रैक्टिस प्रश्न देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो देखो आप जैसे एक प्रश्न आप लोगों को लिए रहा हूं, जो बता चुका हूं 10.0235 को भिन्न में बदलिए या इतने को पी वाई क्यू के रूप में प्रदर्शित कीजिए। चलो बच्चे आंसर दो। बहुत सही। आंसर देने के पहले ये हमको बताओ कि ये मेरा आवर्त दशमलव है तो ये अशांत का कौन सा रूप है बताओ। ठीक, बहुत सही। इसका पहचान बता दिया गया था कि ये मिश्रित है, तो मिश्रित जब है तो इसको भिन्न में कैसे बनाते ये भी बता दिया गया है। चलो हाँ बताओ रूप। मिश्रित है तो देखो, पहले तो हम देख लेंगे कि दशमलव पहले पूर्ण संख्या है कि ये पूर्णांक हो गया, ये दस सही के रूप में चला गया। इसको अभी आप बोले हो कि क्या है, इसको उसी भी पीछे वाले क्लास में बता दिया गया। हाँ बताएं, ये मिश्रित है तो इसका अंश कैसे बनाया जाता है, पूरी संख्या लिख ली जाती है पहली ओर, फिर इसमें से जो अंक पुनरावृत्ति वाला अंक है उसी को घटा दिया जाता है। तो जो समझ रहा है 235-2, अब नीचे 9 की संख्या बोलो, डबल 9, ठीक, दो अंकों पे बार है तो डबल 9, और एक अंक ऐसा है जो कि पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है कि दो अंक है, दो अंक ऐसा है कि जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो 2×0। तो देखो ये पीछे बता दिया गया है, अगर आपको जिसको पता है ये आराम से आंसर दे दिया। अब अगला स्टेप बढ़ाइए, 10 सही सीधे 235 में से 2 घटा दीजिए, 200 आपका आ जाएगा 33, और बटे यही आंसर है। अगर और आप छोटा करना चाहते हैं इसको देख लीजिए, 3 से कट रहा है छोटा कर दीजिए, नहीं कट रहा है प्लीज, ऊपर वाला नहीं कट रहा है प्लीज, किसी से नहीं कटेगा। तो या तो इसी में आंसर छोड़ दीजिए या फिर एक स्टेप बढ़ाइए, तो आप इसका इसमें गुणा करिए, ये जोड़िए, फिर दे दीजिए। तो बहुत सही पहचाने आपको। अब देखो आगे क्या करता है ये क्वेश्चन, यही थोड़ी सी आगे बात बता रहा हूं बच्चों, देखो थोड़ा सा ध्यान से। अब हमको अगर ये बार वाली संख्याएं अर्थात दशमलव आवर्त वाली संख्याएं को अभी तो हमको भिन्न बनाना सीखे हैं, तो देखिए अब आप ये एकदम अच्छी तरह से पहचान गए होंगे कि अगर 0.3333 डैश डैश लिखा है, तो अगर आपसे पूछ रहा है कि परिमेय है क्या परिमेय है, तो आप लोग तुरंत बता देंगे ये तो परिमेय है, क्योंकि इसको हमने पी वाई क्यू में बना दिया, भिन्न में बना दिया। अब परिमेय तो वही नहीं होगा जो भी पी वाई क्यू रूप में नहीं बन पाएगा, तो एक परिमेय संख्या, ठीक। और देखिए दूसरी, देखिए अब ये देखिए, ए भी एक परिमेय संख्या। अब क्वेश्चन बनाने वाला इनका हमसे जोड़ पूछ, योग पूछ,
देखिए इनका योग हम ऐसे कैसे कर सकते हैं साधारण जैसे, नहीं कर सकते। अब आगे आप लोगों को क्या सिखाने जा रहा हूं फिर से सुन लीजिए। अब हम यही बार वाली संख्या अर्थात जो संख्या परिमेय है परंतु रिपीटेड वाली है तो उसको हम कैसे जोड़ेंगे और कैसे घटाएंगे, या उसका कोई भी काम कैसे करेंगे जो जनरल मैथ है, उसका जोड़, उसका घटाना, उसका गुणा, उसका भाग, उसका वर्ग वर्गमूल, उसका लसम असर, अब कैसे करेंगे। चलो देखिए अब इसी को दूसरे रूप में हम कैसे लिख देते हैं ऐसा, इसको दूसरे रूप में ऐसा। अब देखिए आपसे भी प्रश्न पूछा जा रहा है, अब इन्हीं का जोड़ पूछा जा रहा है। जैसे अगला क्वेश्चन ऐसा बन जाए कि 0.3 पे 12 प्लस 0.9 पे 12 बराबर y। देखो बच्चों अब आप ये पढ़ चुके हैं, अब इसको हम डायरेक्ट ऐसे नहीं जोड़ सकते। अब इनको वही प्रक्रिया जो बेसिक बात बताई गई, पहले इसको आप भिन्न बनाइए, फिर भिन्न का भिन्न बना लीजिए, भिन्न का जोड़ आप जानते हैं जोड़, अब भिन्न बनाना आप लोग जानते ही। इसका भिन्न बन गया 3/9, इसका भिन्न बोलो एकदम से 9/9। थोड़ा सा देखिए यहां क्या गलती हुआ है, ये देखिए ये जो 0.9 पे 12 है इसको हम लोग गलत लिख दिए हैं। ये क्या है, ये आपका ऐसा बन ही नहीं सकता, अगर 9/9 है तो ये एक हो गया, क्या हो गया एक, मतलब हमारे पास कोई ऐसी भिन्न ही नहीं है, मतलब ये एक अपरिमेय संख्या हो गई, ये परिमेय संख्या ही नहीं हो गई, कोई एक ऐसी भिन्न ही नहीं है कि जिसको अगर हम लोग दशमलव बनाए तो इस रूप में आ जाए, इसलिए ये गलत है। ठीक, तो देखिए यही से प्रश्न ये खड़ा हो गया, अगर आपसे पूछता है इसमें 9 के 12 को भिन्न बदलिए, ये क्वेश्चन ही गलत है, अर्थात ये परिमेय संख्या है ही नहीं है, तो इसको हम भिन्न कैसे बनाए, तो ये एक अपरिमेय संख्या हो जाए। ठीक, तो यहां तो देखिए ये अगर इसमें हमने आपको जोड़ लिख दिया तो ध्यान नहीं दिया, ये जो ऐसा ये जो ऐसी बन रही है संख्या, ऐसी कोई संख्या ही नहीं है, अर्थात ये आप हमारी बात सुनिए, ऐसा कोई फ्रैक्शन नहीं है कि जिसको हम दशमलव में बनाए तो ये रूप बन जाए, तो अतः ऐसा संभव ही नहीं है। आप देखिए अब दूसरा बना, ये वाला संख्या ही गलत लिख दी है, या आप उसे भी कुछ सीख लिए हैं। अब ये देखिए इसको आप ऐसा बना सकते हैं, दूसरा प्रश्न 0/3 विभाग, या चलो 0/3 विभाग। तो देखो आप क्या करेंगे, अब देखिए आपको क्वेश्चन, अब ये प्रश्न बन रहा है एक संख्या ये एक संख्या ये, अब दोनों को हमको जोड़ना है, तो देखिए 0.3 प्लस 0.03 के बाद जोड़ना है, तो हम इसको दशमलव के साधारण जोड़ जैसा नहीं जोड़ सकते। अब इसका आप सब काम कर सकते हैं, बस वही जो बेसिक बात बता, इसको पहले भिन्न बनाइए 3/9, इसको भिन्न बनाइए 3/99, वेरी गुड। अब आप लोग जोड़ लीजिए, भिन्न का जोड़ मैंने बता ही दिया, अब जोड़ दीजिए। तो देखिए ये 1/3 बन जा रहा है और 1/33 बन जा रहा है, अब आराम से आप जोड़ लीजिए 1/3 प्लस 1/33 एलसीएम 33 बन जा रहा है। अब आप भिन्न का जोड़ जानते हैं 11 + 1 यानी 12/33, फिर छोटा हो रहा है तो 4/3 आपका। तो देखो बच्चों ठीक, आप एकदम आराम से ध्यान से देखिए, सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। अभी हम लोग बार हटाना सीखे, अब बार वाली संख्या का अर्थात रिपीटेड वाली संख्या का जोड़ सीख लिए, घटाना सीख लिए, गुणा सीख लिए, भाग सीख लिए, सब कुछ आप जानते हैं, सब साधारण जैसा ही होगा, लेकिन मस्ट ये है, ध्यान ये आप लोगों को देना है कि पहले वो बार हटेगा तब जाके दूसरी क्रिया, जैसे और इसके फिर किस क्वेश्चन देख लीजिए, और एक फिर किस क्वेश्चन देख लीजिए। तो कैसे घटाएंगे कैसे करेंगे ये सोच लीजिए। तो देखिए ए भी एक मिश्रित संख्या है और ये भी एक मिश्रित संख्या है, तो इसको आप दो तरह से कर सकते हैं, या तो इनको आप दशमलव से भिन्न में बनाइए, या तो पूर्ण से पूर्ण घटा दीजिए, या पूर्ण से अपूर्ण घटा दीजिए, क्योंकि बड़ा छोटा है घट जाएगा।
तो या तो फिर वही प्रक्रिया जो आप इसके पहले पढ़े हैं, देखो ए इसको भिन्न में बनाइए तो 3 सही 87/99 माइनस 2 सही 59/99। तो देखो बच्चों यही आप लोग मिश्रित संख्या का भी जोड़ घटाना सीख ले रहे हैं। मिश्रित संख्या को अगर ध्यान से देखा जाए तो अभी लास्ट में सबसे पहले मैं जब संख्या पढ़ाया हूं तो मिश्रित संख्या पढ़ाया हूं, आप लोग ध्यान देंगे पीछे में तो ये पता चलेगा कि मिश्रित संख्या एक पूर्ण और एक परिमेय, एक पूर्ण और एक परिमेय अर्थात एक पूर्ण और एक भिन्न को मिला के बनती है। तो ये देखिए मेरी मिश्रित संख्या, तो अब इसका जोड़ घटाना आप लोग जो छोटे क्लास में पढ़ाया है कि ये सही घटा से बटा बनाए फिर घटाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप ऐसा ही करिए, इसको आप तुरंत कर सकते हैं। अब पूर्ण से पूर्ण घटा दीजिए तो सीधे 3 में से 1-2 घट गया 1, अब इसके बीच में प्लस सीमा है। और ये देखिए ये फ्रैक्शन से फ्रैक्शन को घटा दीजिए तो फ्रैक्शन की जोड़ घटाना में आप लोग एक रूल छोटा पढ़ लिए हैं, इन दोनों फ्रैक्शनों का हर समान है तो हम इसको डायरेक्ट घटा सकते हैं। तो डायरेक्ट घटा दीजिए 87 में से 59, तो देखिए 17 में से 9 गए 8 और आपका बच गया है 7 और ये हो गया 7 + 5 = 2/99। ये इतना आ गया आपका। अब इसके बाद या तो आप 1 सही 28/99 आंसर छोड़िए या तो ऑप्शन पे जाइए, तो ऑप्शन देखिए उल्टा लगा के बाहर में बनाया है, इसको हम लोग जैसे ऊपर से 2 अंक से 12 हटाते थे 2 नीचे 10 लिखते थे 2 9 लिखते थे, उल्टी प्रक्रिया अगर 2 9 नीचे लिखेंगे से छोड़ेंगे तो ऊपर 2 पे 12 हो जाएगा था 1.28/12। तो देखो बच्चों इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये क्या आपको लग रहा है कि हम इसको भिन्न में बना के घटाए हैं और अगर आप यहाँ बिना भिन्न में बनाए घटाते तो भी सही हो जाता, क्यों? जैसे यहाँ देखो पूर्ण में से पूर्ण घटाया, यहाँ इस पूर्ण से इस पूर्ण को घटा देता और इसके अपूर्ण से इसको अपूर्ण को घटाता, लेकिन इसके अपूर्ण में आप ये बिना घटाए नहीं घटा सकते हैं, यहाँ तो आपका आ जाएगा, यही से यहाँ घटा दीजिए देखिए 28 आ जाएगा। लेकिन ऐसा रूल स्वतः सदैव मत समझना, यह सेटिंग हो गई सही हो गई। तो देखो यहाँ आप लोगों को मिश्रित संख्या का भी जोड़ घटाना पता चल गया। अब आप ये मत परेशान होया करिए कि जूट का मतलब सही उल्टा सपटा बना के ही घटाए या जोड़े, तो ये जोड़ घटाना दोनों एक ही जैसा है। अब मान लीजिए इसी पे क्वेश्चन यही प्रक्रिया चल रही है, अगला क्वेश्चन अगर मैं आपसे देखती हूँ नीचे पूछ रहा है 0.4/12 का वर्गमूल क्या? तो देखो बच्चों अब वही प्रक्रिया, वर्गमूल के बारे में आप जानते हैं 4 का वर्गमूल 2 होता है, लेकिन ये 12 बना के रखा है तो आप भी इसका वर्गमूल मत करिए, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। जो भी मेरा रिपीटेड वाला क्वेश्चन है परिमेय संख्या है उनका जब तक ऊपर से 12 नहीं हटेगी अग्नि क्रिया नहीं होगी। तो अब इसका पहले 12 हटाओ, 12 हटाना सीख चुका हूं तो सीधे आपका ये बन गया 4/9। अब 4/9 का अगर वर्गमूल बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो 4/9 वर्गमूल बता दीजिए, तो देखिए 4 का वर्गमूल 2 9 का 3, तो इसका आंसर हो गया 2/3। अब क्वेश्चन बनाने वाला इस पे ऑप्शन नहीं छोड़ रहा है, ठीक, तो आपसे फिर 12 वाला क्वेश्चन का ऑप्शन 12 में लिखा है तो फिर आप इस 2/3 को भिन्न में बना दीजिए, 2/3 को दशमलव बना दीजिए, आप लोग खुद जानते हैं कैसे बनता है 2/3 दशमलव में, 2/3 का भाग दे दीजिए 0. अब ये 20 हो जाएगा, 2 6 18 2 6 18 6 6 77 है कोई दिक्कत किसी बच्चे को? वेरी गुड। तो देखिए निष्कर्ष क्या निकला उसको देखिए, रिजल्ट क्या निकला कि जो हमारी रिपीटेड वाली संख्याएं हैं उनका हमको जो भी प्रक्रिया करना होगा जोड़ घटाना गुणा भाग वर्ग वर्गमूल लसम असम सब जब तक वो पहले भिन्न में नहीं आएगी तब तक उसका अगला प्रक्रिया नहीं। अब अगले प्रश्न को जरा देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, औसत पा लसप जानते हैं लेकिन इसका भी आप कर लेंगे, लेकिन पहले मैंने जो बताया वही बात ध्यान दीजिए, पहले ये आप डायरेक्ट मसाला से नहीं कर सकते हैं, पहले इनको क्या करिए ऊपर से 12 हटाइए, 12 का नाम पहचानिए शुद्ध है कि मिश्रित है, हटा दीजिए, हट गया देखिए 60 से 63/99 इसको, हाँ एकदम सही वेरी गुड 37/99। अब अगर ये छोटा हो रहा है तो छोटा करो नहीं तो फिर इतने भी छोड़ दो, तो देखो ये छोटा हो रहा है
नौ सत्ते सात बटी ग्यारह, ये नहीं छोटा वाला है, सैंतीस बटी नहीं ग्यारह। अब इनका देखिए क्या निकालना है, नौ सौ। तो यहां देखो बाबू, अब एक छोटी बात बता रहा हूं आपको, यदि जो बच्चा नौ सौ से पूर्ण संख्या का निकालना जानता होगा तो उसको कोई जरूरी नहीं अपूर्ण का जानता ही हो, ये अपूर्ण संख्या है अर्थात भिन्न है तो अपूर्ण है, या मिश्रित हो सकती है। तो अब इसका मौसम निकालना आप लोग नहीं जानते हैं, इसके बारे में बेसिक चीज नहीं पता है, तो इसका मौसम नहीं निकाल सकते। अभी केवल सात और सैतीस का मौसम पूछू तो आप लोग निकाल सकते हैं। तो चूंकि देखिए जो जानता है मौसम निकालना, चाहे गुणनखंड विधि चाहे भाग विधि लगाए और चाहे परिभाषा ही लगा दे, ठीक है, कि मौसम क्या होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे। तो देखिए सात ऐसी संख्या है, सैंतीस ऐसी संख्या है, ये न ये कोई बड़ी बड़ी संख्या ऐसी है ही नहीं जो दोनों काटे, तीन दोनों का मस एक बन जाएगा मस एक। तो देखिए ध्यान से बच्चों, तो सात और सैंतीस का मसला आप जानते हैं, लेकिन कोई जरूरी है कि भिन्न का आप जानते ही हो, तो ये छोटी छोटी बातें हैं। अब जो भिन्न का मसला जानता है वो बता देगा। चलो देख लो, अपरिमेय संख्याओं का मसला सभी मैंने यही पढ़ा दिया, या फ्रैक्शन का मसला सब, इसके लिए देख लीजिए ये आप लोग को बेसिक बता दे रहा हूं, दो फार्मूले बने भिन्नों का मौसम बराबर अंशों का मौसम बटे हरों का मौसम। देखो बाबू ये सूत्र अर्थात ये पहचानिए आप लोग, ध्यान से देखना, यहाँ देखिए एक रिजल्ट बता दे रहा हूं, जो निकालना पड़ता है यहाँ मौसम को भिन्न का, जो यहाँ निकालना है वही ऊपर वाले का होता है और उसके नीचे वाले का उसका उल्टा, अगर ऊपर का मौसम तो नीचे का। अब दूसरी बात देख लो, भिन्नों का लॉस ऑफ अगर हमको बताना है तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ लॉस ऑफ है तो अब अंशों का लॉस ऑफ कर दीजिए, नॉमिनेटर का लॉस ऑफ अंशों का लॉस ऑफ और बटे हरों का मौसम। तो देखो यही हम लोग लॉस ऑफ से चैप्टर में चलेंगे तो ये बात बताएंगे, लेकिन यही अपरिमेय संख्या में ही या दस या भिन्न में ही जो फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं भिन्न में ही भिन्न का लॉस ऑफ मैंने बता दिया। तो अब आप इसको देख लीजिए तो इसका आंसर दे सकते हैं। अब इनका इनका पूछा गया है मौसम, तो पहले आपने इनको भिन्न में कन्वर्ट कर दिया और भिन्न वाले सूत्र से ये बता देंगे अंशों का मसा हरों का लसा, तो निकालो अंशों का मसा एक बन रहा है, हरों का लसा निन्यानवे बन रहा है। तो यही आपका देखिए ये बार वाली संख्या का मसा हो गया या लसा हो गया। तो मैं समझता हूं कि आप लोग ये जो भिन्न है अर्थात दशमलव है, जो रिपीटेड दशमलव वाला है प्रक्रिया बार वाला, उसको हटाना सीखे, उसकी जो हटाना सीखा तो आगे वाली सारी प्रक्रिया सीखे। और प्रैक्टिस के लिए देख लीजिए, मान लीजिए ये सोच लीजिए कि इसी प्रश्न को ये मौसम को हटा के लॉस ऑफ पूछ लिया जाए, एलसीएम पूछ लिया जाए, तब क्या परिवर्तन होगा, तब ये परिवर्तन हो जाएगा, बस सब कुछ यही रहेगा, अब ऊपर वाले का लॉस ऑफ कर लेना और नीचे वाले का मौसम। तो अब ऊपर वाले का लॉस ऑफ सैंतीस गुणे सात ही होगा, ठीक, और इनका मौसम ग्यारह हो जाएगा। इसी प्रश्न का अगर एलसीएम पूछ लेगा तो इस सूत्र से जो समझ रहा है वो सीधे इनका लॉस सात गुणे सैंतीस ही होगा और मौसम सीधे नौ ग्यारह आ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो देखो बच्चों आप यही भिन्न का लॉस मस भी सीख लिए। बच्चों इसमें भी कुछ नहीं है, अब बस आप जो बेसिक बात पकड़ लिए वही जानिए, चलिए हल करिए, ठीक आंसर दीजिए, चलो हल करके बताओ, स्टेप गैप करो, बोलो ये क्या होगा, एक बट्टे नौ, वेरी गुड, एक बट्टे नौ, फिर उसका वर्ग करके बोलो एक बट्टे इक्यासी, इसको देखो इसको पहले बार हटा के बोलो क्या बना, हाँ बोलो बोलो, नहीं एक बट्टे नौ क्यों, एक बट्टे ये नब्बे होगा ना। देखो बच्चों ये गलत क्यों बोल रहे हो, देखो ये आपका शुद्ध नहीं है, ये मिश्रित है, तो
तो मिश्रित के लिए कैसे अंश बताया गया था, आप पूरा ये जीरो का कोई अस्तित्व नहीं, एक में से जीरो घटाएंगे एक ही रह जाएगा, एक ही रह जाएगा। और फिर ये आप नहीं देख रहे हैं कि नीचे एक अनपुनरावृत्ति वाले होते हैं नौ, एक पुनरावृत्ति वाला है तो जीरो। स्टेप अगर आप गैप करते तो ये एक बटे नब्बे बनता है, इसका वर्ग करते तो एक बटे आपका ये बन जाता इक्यासी। नब्बे का वर्ग क्या हो जाएगा 90, मतलब क्या बना 9 इंटू 9 81 तो 200। अब इसका आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हैं। अब ये फ्रैक्शन का गुणा बन गया, गुणा आप लोगों को पता है। अब 81 का वर्ग कर दीजिए, यही दो जीरो बढ़ा लीजिए, तो एक 81 इंटू 81 और प्लस आपका दो जीरो, तो दो जीरो। अब गुणा करके आप लोग आराम से देख सकते हैं, या तो 81 का वर्ग याद हो तो डायरेक्ट लिख लीजिए, और नहीं तो फिर गुणा करिए। देखो 81 ये डबल जीरो हो गया, 81 के 81 के खांसी में लगे 8, फिर 81 अट्ठे कितना बन रहा है, फिर 8 आप लोग जोड़ लीजिएगा और वर्ग याद होता तो बड़ी अच्छी बात। 81 एकम 81 के खांसी लगे 8, 81 अट्ठे कितना बन रहा है, देखो 8 एकम 8, 8 अठाई 64। अब ये खांसी अपना जोड़ लो, देखो 8 8 16 चार एक पांच, फिर इसका यही आंसर हो गया। अब ये दिन का बुरा बन गया, दिन का बुरा आप जानते हैं अंशनाश से गुणा कर का वर्ग। तो देखो मैं समझता हूं कि जो मैं बता रहा हूं ये सब लोग स्पष्ट हो गए होंगे, मुख्य वही प्रक्रिया है, खाली बार हटाना और उसको भिन्न बनाना। इसके बाद भिन्न का सब कुछ आप जानते हैं, भिन्न में बन गया तो भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग, भिन्न का वर्ग, भिन्न का वर्गमूल, भिन्न का लसम। तो देखो बच्चों ये टॉपिक मैं छोड़ रहा हूं, भिन्न को दशमलव बना लेना और फिर दशमलव से भिन्न बना लेना और बार वाली संख्या को जोड़ घटाना गुणा भाग भी मैंने बता दिया, तो जो निष्कर्ष निकला उसी को आप पकड़ के रखे और प्रैक्टिस करते रहे, कोई क्वेश्चन फंसाता है तो देखा जाएगा। अब देखो बाबू अब हम क्या, अब आगे क्या लेना चाहते हैं ये पहले आप लोग देखिए, टॉपिक चेंज कर रहा हूं, परमे में ही हूं भिन्न में ही, बहुत बड़ी कथा है भिन्न, भिन्न में ही हूं। देखिए अब आप लोगों को भिन्न में ही हूं, अब भिन्न का जो घटना गुणा भाग तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन देखिए एक ये इस भिन्न को आप लोग थोड़ा सा देखिए, इस भिन्न को आप लोग छोटे क्लास में किस भिन्न के नाम से पढ़े थे और इसका शुद्ध नाम क्या है ये देख लीजिए। तो देखिए अब हम भिन्न की जोड़ में ही घटाना में है, परिमेय में ही है अभी, लेकिन अब इसको भिन्न को हम लोग छोटे क्लास में ऐसे भिन्न को लंगड़ी भिन्न के नाम से जानते हैं, लंगड़ी भिन्न, या हिंदी पकड़ोगे तो बीतक भिन्न के नाम से जानते हैं, बी त त। तो देखो बच्चों ये शब्दों का अर्थ तोड़ो, ये बीतक शब्द का अर्थ होता है निरंतर, बीतक शब्द का अर्थ होता है निरंतर, इंग्लिश पकड़ोगे तो कॉन्टिन्यूटी फ्रैक्शन, कंटिन्यूअस समझते हो ना निरंतर, तो बल्कि इंग्लिश ज्यादा अच्छा है, इसको इंग्लिश में बोलोगे तो कंटिन्यूटी फ्रैक्शन बोलो। अब हम लोग कौन भिन्न पढ़ने जा रहे हैं, बीतक भिन्न, लगड़ी भिन्न या कंटिन्यूटी फ्रैक्शन। अब इसका जोड़ घटाना हम लोग कैसे करते हैं ये देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल दे लेते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा, बीतक भिन्न या कंटिन्यूटी फ्रैक्शन का जोड़ घटाना है। अब है वही बेसिक बात, जिसको देखिए बेसिक अगर आप पकड़ते हैं, कोई शॉर्ट ट्रिक पकड़ के या शॉर्ट ट्रिक रट के सांसा नहीं बन सकते हैं, इतना ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक। बस अब आप इसको बेसिक पता है, इसको हम लोग क्या करते हैं बस देख लो, बस यही ध्यान देना है, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग जोड़ते हैं या कंटिन्यूटी फ्रैक्शन को बस नीचे से शुरू करते हैं, यहां जोड़ते हैं, इस क्वेश्चन में तीन ठो भिन्न का जोड़ है, एक यहां एक यहां एक यहां, अब आप इसी में स्टेप गैप करिए तो समय बचेगा। तो सबसे नीचे वाला भिन्न अगर मैं आपसे पूछूं जोड़, तो इसको अगर इस क्वेश्चन को तीन ठो भिन्न का जोड़, मैंने बता रहा हूं ध्यान देना है कि हाँ है क्या है क्या, तो अगर इसको अलग करूं तो बस इतना सब क्वेश्चन बन गया, 2 + 1/4, तो इसको जोड़ना सबको आता है, जोड़ दीजिए एकदम सही 9/4, 2 + 4 = 9, एक भिन्न का जोड़ यहां। अब देखिए तीन भिन्न का जोड़ है इसमें मैंने बताया, अब आप स्टेप गैप करें चाहे चलिए इसमें तीनों लिख दे रहा हूं, देखो अब यहां आ रहा हूं, अब ये मेरा भिन्न का जोड़ बनेगा 1 + ये 4 ऊपर चला जाएगा
चार बटे नौ। अब यहां देखिए आ गया, अब चलो इसको जोड़ो, न्यूनतम नौ चार तेरह बटे नौ। अब एक भिन्न का जोड़ यहां है, इसको देखो थ्री प्लस तेरह बटे नौ यहां हो गया, थ्री प्लस एक के बटे तेरह बटे नौ हो गया। अब फिर ये उल्टा होगा तो नौ बटे तेरह। अब चलो फिर जोड़ो, अब तेरह यहां उनतालीस और नौ जोड़ दो अड़तालीस बटे तेरह। अभी भी एक ऊपर है, फिर उल्टा करो तेरह बटे अड़तालीस। तो इस भिन्न का जोड़ इस कॉन्टिन्यूटी फ्रैक्शन का जोड़ आंसर आ गया तेरह बटे अड़तालीस। तो देखो बच्चों, मैं समझता हूं कि आप लोग ये लंगड़ी भिन्न या भीतर भिन्न कॉन्टिन्यूटी फ्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं आई, बस भिन्न का जोड़ ही है, इसमें एक ही क्वेश्चन पे कई जो भिन्न का जोड़ बन जाता है। अब इसी में आप स्टेप गैप करें चाहे सब भिन्न को लिख के देखें, आप इस पर और प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लो, और प्रैक्टिस क्वेश्चन तो बस इतना ध्यान दो कि जो मैं देख लिया, अगर इसको आप देख लिए कर लिए तो यही आसान लगेगा, अब जब इसको आप कभी देखे ही नहीं है पढ़े ही नहीं तो यही कठिन लगेगा। तो चलो दूसरी क्वेश्चन, आपको बेसिक रूल मैंने बता दिया हूं, आपको प्रयास करें स्टेप गैप करें हल करें चाहे सारे स्टेप को लिखें, ठीक प्रयास करो तो लिखा बताए। चलो भाई देखो इसमें से कुछ लोग बता रहे हैं दो, चलिए देखा जाता है दो सही है, तो चलिए करके दिखा दूं। चलो देखो ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दो, देख आप लोगों को ये बताया जा चुका है, क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर लो देख लो सही है, सही लिखे हो। तो चलो देखो स्टेप गैप करना, पहले ये वाला नीचे वाला भी नहीं जोड़ो, तो तीन तिरिका नौ दो ग्यारह बटे तीन, यहां आना हो देखिए स्टेप गैप कर रहा हूं। अब ये मेरा एक भिन्न का जोड़ बनेगा, तीन प्लस ये तीन ऊपर जाएगा, तीन प्लस छ बटे ग्यारह, तो तीन प्लस छ बटे ग्यारह को जोड़ दो, तो देखो तीन प्लस छ बटे ग्यारह ग्यारह तीन तैतीस और छ उनतालीस बटे ग्यारह, तो देखो यहाँ गैप कर दिया उनतालीस बटे ग्यारह यहाँ आ गया। फिर यहाँ आओ, फिर यहाँ स्टेप गैप करो, तो यहाँ एक भिन्न बनेगा दो प्लस ये ग्यारह यहाँ जाएगा बाईस बटे उनतालीस, और बुढ़े में है यही 0.39। तो देखो बच्चों एक स्टेप गैप हुआ है, अब इसको चलो जोड़ो, यही देखिए यहां पे हम लोग कुछ गलत रास्ते पकड़ सकते हैं, यही से क्वेश्चन बनाने वाला गलत कराने का प्रयास कर रहा है। अब देखिए यहां हम लोग ये सोचें कि अब यहां देखिए इस क्वेश्चन में प्लस और इंटू दो निशान है, तो गलत ये जो दो लोग जो लोग दो बताए यही से गलत गए हैं, उनके दिमाग में यह चला आया कि यहां पहले इसका जोड़ कर दिए बाद में गुणा तो दो आ जाएगा, लेकिन जबकि आप अगर सही रूल जानते हैं जिस प्रश्न में जोड़ और गुणा दोनों हैं, तो जो बच्चा जानता है अभी बताऊंगा बोर्ड मास उसको मालूम है कि पहले हम जोड़ नहीं करेंगे पहले गुणा करेंगे। तो देखो बच्चों ध्यान देना यही से गलत हो रहा है जो दो बताए हैं, तो अब आप सावधानी रखिए पहले जोड़ के गुणा करेंगे दो आ जाएगा, जबकि रूपता नियमता पहले जोड़ नहीं पहले गुणा, तो गुणा आप लोग अब कर दीजिए। अब गुणा देखिए करने आता है, अगर ये पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ डबल जीरो हो गया, पॉइंट हटाना सिखा दिया, उनतालीस उनतालीस कट। अब देखो फिर भिन्न का जोड़ बन गया, अब आप सीधे सौ दो सौ बन जाएगा, दो सौ बाईस जोड़ेंगे दो सौ बाईस आपका और नीचे सौ, यहां तक आप जोड़ के पहुंच गए। अब फिर इसके ऊपर भी दो है, तो फिर अब ये फिर उलट जाएगा, तो दो गुणे सौ बटे दो सौ बाईस, फिर इसको आप छोटा कर दीजिए आ गया सौ बटे एक सौ ग्यारह, ए इसका आंसर। बस अभी आपसे मैं नहीं मिला तो नाना प्लीज नहीं करेंगे, तो देखो कुछ नहीं मात्र बेस होना चाहिए। तो आप अगर भिन्न का जोड़ जानते हैं तो भीतर भिन्न कॉन्टिन्यूटी फ्रैक्शन का भी जोड़ जानते हैं, ठीक किसी कोई प्रॉब्लम। तो इस पे आप जितना क्वेश्चन वो देखें
अपने से स्टेप गैप करें, इनका कोई शॉर्टकट नहीं है, स्टेप गैप करिए, सीधे से काम हो जाएगा। कभी इतना ही छोड़ेगा, कभी ऐसा लगा देगा, कभी इसी में अचर बदला देगा, कभी इसी को समीकरण का रूप दे देगा। चलो अब इस पे क्वेश्चन और देखो। अब जितना इस क्वेश्चन, इस मॉडल का क्वेश्चन आपके बुक में है, सब हल कर लो प्रैक्टिस के। तो चलो देखो बच्चों, अगर दो की वैल्यू इसके बराबर है तो यहां जो एक्स है इसी का मान पूछ रहा है, एक्स बराबर वन। तो देखो ये वही चीज है जो आप बेसिकली पढ़े हैं, बस इसको समीकरण का रूप दे दिया। आप इसको यहां से जोड़ते जोड़ते यहां तक पहुंच जाइए, फिर एक एक चर की समीकरण बन जाएगा। फिर आपका यहां आने के बाद इसको पक्षांतर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, इसी में से घटा दीजिए, इसका मान। चलो प्रयास करो बच्चों, ऑप्शन देखो। 12/17, 13/17, 1/17, 1/4। प्रयास करो बच्चों, देख बस ऐसे करते हो, स्टेप गैप करो। चलो स्टेप गैप करके चला, इसका यहां जोड़ो, 4 × 12 = 13/4, तो यहां आ जाओ 13/4, तो 1 + 4/13। अब 13 × 13 = 17/13, यहां तक आ गया। फिर उल्टा करो, 2 = x + यहां आया था 17/13, तो फिर ऊपर 13 नीचे 17। देखिए हमने फट से स्टेप गैप करके जोड़ दिया। अब आप इसको इधर से x का मान बता रहा है, इसको इधर से पक्षांतर कर दीजिए, अचर को इधर फेंक दीजिए, तो 2 − 13/17। अब आपको इसके बाद हम क्या बताएं, आप जानते हैं 17 × 2 = 34, 34 − 13/17, तो 34 में से 13 घटा दीजिए, 17 × 2 = 34 − 13/17। या तो आप स्टेप गैप करिए, 34 में से 13 घटाइए 1, और यहां आपका हो गया 21/17 = x। अब ऑप्शन मिलाइए, अब 21 में 17 का भाग दीजिए, देखिए यार 17 × 17, फिर या तो देखो 17 × 17 = 21/17, ये ऑप्शन। देखो बच्चों कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो आप फिर साधारण भिन्न का जोड़ घटाना जानते हैं, तो वितरण भिन्न या कंटिन्यूटी फ्रैक्शन का भी जानते हैं। और इसमें का क्वेश्चन देख लिया जाए तो ये टॉपिक छोड़ दिया जाए, वितरण भिन्न का देख लीजिए। तो ये भी वही क्वेश्चन है, बस ये भी इसमें चर डाल दिया। चर क्या, बस चर का आप जोड़ घटना जैसे करते हैं, रूल वही है, करके एक चर एक से निकला है, बस एक्स का मान निकल लीजिए पक्षांतर करके। चलो प्रयास करो बच्चों, ऑप्शन देखो, 1/3, 2/3, 3/5, 5/3। प्रयास करो, ठीक। चलो भाई देखो, बस ऐसे करते हैं, आप लोग नीचे वाला भिन्न जोड़िए, इसमें भिन्न का दो भिन्न का जोड़े, कि हाँ एक यहाँ, यहाँ जोड़िए, यहाँ का देखिए सब लोग जानते होंगे, इसका इसमें गुणा करिए, वो जोड़िए, तो जो स्टेप गैप कर रहा है सीधे इसका इसमें गुणा करके जोड़ रहा है, तो 1/1 − x करके देखिए, इसमें इसको जोड़ेंगे, ये इसका इसमें गुणा प्लस ये करेंगे, एक्स एक्स कट जाएगा, सीधे 1/1 − x। अब बोलिए यहाँ एक भिन्न का जोड़ बनाओ, चलो चलो लिख दे रहा हूं, या तो क्या लिखू, देखो यहाँ अब ये ऐसा होता है 1 + 1 − x / 1, एक नीचे की कोई वैल्यू नहीं है, आप यहाँ आ गए 1 + 1 − x, तो 1 + 1 − x में यहाँ आपका बन जाएगा 1 + 1 − x, अर्थात 2 − x यहाँ पे। तो देखो स्टेप गैप हो रहा है, तो 2/x / 2 − x = 1। अब मैं क्या बताऊं, फिर आगे आपको बेसिक भी ये क्या हो गया, एक चर एक से निकट हो गया, सबको आता होगा। अब x का मान निकालना है, 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, काम खत्म। तो 2x = 2 − x, अब x इधर करिए 3x हो जाएगा, 2x = 2। ये आंसर, ये बढ़िया।
तो ये कॉन्टिन्यूटी फ्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दिक्कत कहाँ है कि देखिए क्वेश्चन बनाने वाले का दिमाग देखिए। अब इसी क्वेश्चन में अब आप उल्टा कभी कभी कर देता है, जैसे ऐसा इसको दिया, इसका हल पूछा, अब ऐसा नहीं करेगा, ये हल दे देगा, जैसे बीतक भिन्न को हल करके आप हल निकाले, अब अपोजिट दे देगा, एक संख्या दे देगा, उसको कहेगा इस बीतक भिन्न के रूप में बनाए, इसी का अपोजिट, तब हम लोग फंस जाते हैं। तो देखिए ये तो अभी हम लोग सीधा सीधे जोड़ते चले गए, फेंकते चले गए। अब जैसे एक इक्वेशन देख लीजिए इसका अपोजिट, जैसे जहां हम हल करना है, अब लेकिन आपको कैसे हल करना है, मतलब हमको ऑप्शन में ही जाना है। देखो तो अभी लंगड़ी भिन्न हल करके भिन्न लाते थे, अब इस भिन्न से लंगड़ी भिन्न बनाना पड़ेगा। अब ऑप्शन देखो तो समझ में आएगा, जैसे देखो पहला ऑप्शन एक सही एक के बटे तीन प्लस एक के बटे एक प्लस एक बटे सोलह, यानी इसको अब ऐसा बनाओ, अभी इससे देखिए ऐसा बनाना हम सीखे हैं, अब इसको ऐसा बनाओ, ए ऑप्शन बी एक बटे दो प्लस एक बटे एक प्लस एक बटे आठ, मतलब इस लंगड़ी भिन्न को हल करो, देखो ये आता है क्या, उसको इसी इसको उसको ऐसा बनाओ, फिर सी ऑप्शन में क्या दिया एक बटे तीन प्लस एक बटे एक प्लस एक बटे वन प्लस एक बटे आठ, डी एक बटे तीन प्लस एक बटे एक प्लस एक बटे दो प्लस एक बटे। तो देखो बच्चों ध्यान दो, थोड़ा सा देखना क्या किया है क्वेश्चन बनाने वाला, दिमाग लगा दिया। अभी तक हम लोगों से ऐसा दे करके ये लंगड़ी भिन्न या कॉन्टिन्यूटी फ्रैक्शन को हल करना, कि हल करके ये लाइए, अब आपको ये कह रहा है कि इसको हल करिए, इसमें से कौन आएगा, देखो अपोजिट कर दिया, तो ये क्वेश्चन फंसाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अब आप हमको इसको इसी के रूप में लाना है, तो चलो पहचानो। देखो यहाँ ऑप्शन में देखो सब ऊपर एक है, एक बटे है, तो उल्टी प्रक्रिया देखो, इसको हम एक बटे कैसे बनाए, ध्यान दो एक बटे कैसे बनाए, तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक के बटे 48 बटे 13 लिख सकते हैं बच्चों, बताओ। हाँ सर, देखो तो एक था तो एक बटे देखो मैंने इसको बना दिया, अब फिर वही प्रक्रिया, अब यहां मेरा भिन्न है, अब फिर नीचे बनाना है, तो देखो अगला स्टेप देखो, एक बटे बन गया, अब जो आप करते हैं इस 48 में 13 का भाग दीजिए, भाग दीजिए 48 में 13 का, तो देखिए 13 × 3 = 39, 13 × 3 = 39, तो तीन गया, तो 3 + 13 = 39, तो 48 में से 39 घटा दो, तो देखो 48 में से 39 अगर घटाओगे तो क्या बन रहा है, हाँ बोलो बोलो एकदम सही, ठीक, तो आपका ये बन गया होगा 9 बटे बोलो बोलो 13, बहुत सही। तो देखो यहां इसको एक बनाना था तो एक बटे ये लिखा गया, अब 48 में 13 का भाग दे दिए तो आपका आ गया 13 × 39 = 3 प्लस अब आ गया आपका 9, तो 9 बटे 13। अब देखो बच्चों आगे बढ़ो, फिर वही काम, अब यहां एक बटे 3 प्लस फिर क्या कर रहा हूं, देखो उल्टा करो जोड़ो, उल्टा करो जोड़ो, ये ऑप्शन हटाता हूं, उल्टा करो जोड़ो, अब फिर यहां चलो यहां देखो क्या बनेगा, अब 13 बटे 9, ठीक, तो 3 + 1 बटे इसको बनाओ, उलट दो 13 बटे 9, ठीक, अब चलो फिर अब 13 में 9 का भाग, 1 बटे 3 + 1, अब नीचे आ गया आपका 13 में 9 का भाग दो, चलो भाग दो, तो देखो क्या कर रहा, उल्टा करो जोड़ो, उल्टा करो जोड़ो, अब 13 में 9 का भाग दो, तो देखो फिर 13 = 13, तो 1 प्लस
13 एकम 13, ठीक, तो 13 एकम 13 9 का भाग हो गया 9 एकम 9 1 हो गया, और 13 2 9 हो गया 4 4 बटे 1, ठीक। कहीं गलत हो गया क्या बच्चों? नहीं, चलो ठीक। अब यहां आ गया, फिर आगे बढ़ो, फिर देखो, फिर उल्टा करो, जोड़ो 1/3 + 1/1 प्लस, अब इसको उलट दो, फिर ये बनेगा 1/1/9/4, फिर हम 9 में 4 का भाग दो, 9/4 उल्टा करना है। तो देखो बच्चों, अब बन रहा है 1/3, फिर यहां 1 आ गया। अब यहां अगर बनाओगे तो यहां से इसे भाग दोगे तो 1 प्लस, ये आपका 1 है, ये है, यहां 9 में 4 का भाग दो, हाँ ठीक, तो ये बनेगा 4 × 8 2 + 1/4। तो देखो अब यही आंसर, आपका यही आंसर हो गया, ये वाला 2 प्लस आ गया। तो देखो 1/3 प्लस, फिर 1 प्लस, फिर यहां 2, इसको हम ऐसा देख सकते हैं, ठीक है, 2 + 1/4। तो देखो यही वाला आंसर होगा, ये वाला आंसर। तो देखो इसमें वितत भिन्न में ये बहुत परेशानी होती है, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कंटिन्यूटी फैक्टर से हल करना है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये हम लोग को फंसा देता उल्टी प्रक्रिया की, इसको हल करके किसी तरह से ये भिन्न बना, तो इसमें हम लोग थोड़ा फंस जाते हैं। ये प्रैक्टिस की चीज है, लेकिन इसमें ध्यान रखो, हमने क्या किया, बार बार उल्टा किया जोड़ा, उल्टा किया जोड़ा, यही करना।